हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन द जे किचन। हैलोवीन स्पेशल में आज मैं शेयर करूंगी पम्पकिन केक। इजी टू मेक एंड डिलीशियस टू हैव। शेयर करने से पहले रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हिट द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियोस यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। तो चलिए बनाते हैं पम्पकिन केक। लेट्स चेक आउट द इंग्रेडिएंट्स। यहाँ मैंने 150 ग्राम्स ऑल पर्पज फ्लावर लिया है मैदा, 150 ग्राम्स शुगर जिसे हम पाउडर करेंगे, दिस इज बेकिंग पाउडर, सॉल्ट, यहाँ कुछ स्पाइसेस है, इलायची है, दालचीनी, 2 एग्स, 1/4 कप ऑफ ऑयल। ये देखिए पम्पकिन है, इसको मैंने पील करके इस तरह छोटे टुकड़ों में काट कर रखा है। दिस इज 400 ग्राम्स पम्पकिन। यहाँ देखिए मैंने 200 ग्राम्स बटर लिया है, दिस इज अनसॉल्टेड बटर, एंड 200 ग्राम्स शुगर जिसको हम पाउडर करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। चलिए एक पैन में हम इसे पकाएंगे, पम्पकिन को फ्लेम को जलाकर ये सारा पम्पकिन डालेंगे। सम वाटर वी लैंड टू कुक दिस पम्पकिन, ज़्यादा नहीं, तो हम पकने देंगे। चलिए हम चेक करते हैं ये हमारा पम्पकिन पका या नहीं। दिस वोंट टेक टाइम। देखिए ये पक चुका है। इसको हम पानी को स्ट्रेन कर इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम मिक्सी में इसका अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेंगे। शुगर इसी में हम स्पाइसेस डालकर इसका एक अच्छा सा फाइन पाउडर बना लेंगे। देखिए ये अच्छा सा मैंने पाउडर बना लिया है। आई एम गोइंग टू टेक अ कंटेनर, इसमें हम डालेंगे, इसमें हम पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे, ऑयल, मैंने सनफ्लावर ऑयल यूज़ किया है, इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसमें एक एक एग हम तोड़कर डालेंगे, सेकेंड एग भी, देखिए ये पम्पकिन पक कर ये अच्छा सा ठंडा हो गया है। नाउ गोइंग टू मेक अ पेस्ट आउट ऑफ दिस। इसको हम मिक्सर में डालकर थोड़ा सा पानी ऐड कर इसका अच्छा सा हम पेस्ट बना लें। देखिए एक अच्छा सा फाइन पेस्ट मैंने इसे बना लिया है। चलिए अब हम ऐड करेंगे, ये देखिए एक कप पम्पकिन का पेस्ट, अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, मिला लेंगे। अब हम ये जो ऑल पर्पज फ्लावर है मैदा, इसको हम ऐड करेंगे, इसको छान लेंगे, इसमें बेकिंग पाउडर डालकर हम इसको छानेंगे। अच्छी तरह से मिला लेंगे। थोड़ा बचा हुआ है, इसे वापस हम सीख कर लेंगे, इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे ताकि बिल्कुल लम्स ना रहे। सो अ बैटर विल बी स्मूथ बैटर। चेक आउट फ्रेंड्स आर केक बैटर, पम्पकिन केक बैटर इज एकदम रेडी, बिल्कुल रेडी है। मैंने अवन को प्री हीट होने के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट्स के लिए प्री हीट होने के लिए रखा हुआ है। तो चलिए इसको मैं केक टिन में शिफ्ट करूँगी। वील मेक पम्पकिन केक, सो वी विल गिव अ शेप ऑफ अ पम्पकिन। सो मैंने इस तरह से बेकिंग टिन लिया है, इसको मैंने ऑयल लगाकर मैदा से डस्ट कर रखा है। आई एम गोइंग टू पोर द बैटर इन इट। देखिए आ बैटर इज पोर्ड इन दिस। इस तरह का केक मैं दो बेक करूंगी और वापस एक दूसरे के ऊपर रखकर
we're going to decorate our pumpkin cake. चलिए हम इसको बेक होने के लिए रखेंगे एटलीस्ट 25 to 30 minutes. ये अच्छी तरह से बेक होगा. चलिए चेक करते हैं. देखिए बिल्कुल बेक हो चुका है. इसको हम निकाल लेंगे. सो लेट्स टेक दिस आउट. हम ये सेकेंड केक भी बेक करने के लिए रखते हैं. देखिए हमारा दोनों केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है. और ये जो टॉप है उसको हम थोड़ा ट्रिम कर देंगे. सो लेट्स डू दैट. मैंने ट्रिम कर दिया है दोनों केक. नाउ इसमें हम लोग बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग डालेंगे. सो लेट्स मेक अ बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग. बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 200 ग्राम्स अनसॉल्टेड बटर लिया है एंड दिस इज 200 ग्राम्स ऑफ पाउडर्ड शुगर. अब आप वायर विस्क भी यूज कर सकते हो इसे बीट करने के लिए और यू कैन यूज द इलेक्ट्रिक बीटर. टुडे आई एम गोइंग टू यूज दिस इलेक्ट्रिक बीटर ताकि ये जल्दी बने. ये बटर को मैंने फ्रिज से निकाल कर कुछ घंटों के लिए बाहर रखा था. इट्स नाइस एंड सॉफ्ट. इस तरह आप रखिए. अब इसमें हम पाउडर शुगर ऐड करेंगे. एक साथ नहीं करेंगे. वी गोइंग टू ऐड लिटिल एट अ टाइम एंड अगेन बीट इट. और थोड़ा पाउडर शुगर मिलाएंगे एंड अगेन आई एम गोइंग टू बीट दिस. चेक आउट. ये अच्छी तरह से फ्लफी हो गया है, लाइट हो गया. आई एम गोइंग टू ऐड सम ऑरेंज कलर टू दिस बिकॉज ये पम्पकिन केक है. सो इसमें थोड़ा सा मैं कलर ऐड करूँगी. दिस इज जेल फूड कलर. देखिए हमारा बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग इज रेडी. अब इसको हम कोन में डालेंगे और हमारे केक पर हम बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग करेंगे. देखिए मैंने पाइपिंग बैग में इसको डाल दिया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू कट दिस. इसको थोड़ा काट लेंगे. इसके ऊपर हम इस तरह डालकर से हम लेवल कर लेंगे. मैं टू स्प्रेड दिस. स्प्रेड करने के बाद ये जो और एक केक हमने बना कर रखा था आई एम गोइंग टू टेक दिस एंड इसके ऊपर हम इस तरह स्टिक कर देंगे. वापस I'm going to cover this with a buttercream frosting. Again, we're going to cover this entire cake. इसको हम अच्छी तरह से सब जगह से कवर कर देंगे. चेक आउट. इसको मैंने चारों तरफ से अच्छी तरह से कवर कर दिया है. इसे हम एक घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे सो दैट इट सेट्स वेल. एक बार ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा इसको हम डेकोरेट करेंगे. देखिए एक घंटे के बाद मैंने केक को बाहर निकाला है. अब इसको हम अच्छा से एक शेप देंगे पम्पकिन का. सो वी विल ड्रॉ सम लाइंस द वे द पम्पकिन हैज. देखिए इस तरह गोइंग टू कट इट. थोड़ा सा इसको इस तरह स्क्रेप कर लेंगे थोड़ा सा. देखिए मैंने इसे इस तरह से काट कर शेप देने की कोशिश की है. देन आई एम जस्ट गोइंग टू फिल दिस. इसको अच्छी तरह से हम वापस बंद कर लेते हैं थोड़ा सा.
इस तरह। देखिए दिस इज डन। इसको हम थोड़ा साइड में रखते हैं एंड आई मेड फॉन्डेंट। देखिए ये फॉन्डेंट घर में मैंने बनाया है, इसको हम इस केक के ऊपर डालेंगे। इसका रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वेरी सून, आई विल अपलोड अ वीडियो ऑन फॉन्डेंट। तो चलिए इसको हम, दिस इज द पार्चमेंट पेपर, इसके ऊपर रखकर हम रोल करेंगे। रोल करने से पहले इसमें हम थोड़ा ऑरेंज कलर आई एम गोइंग टू ऐड, इसको इस तरह मिला लेंगे। थोड़ा सा पाउडर्ड शुगर है, देखिए कलर मैंने मिला लिया। नाउ इन दिस पार्चमेंट पेपर थोड़ा सा इसके ऊपर शुगर का पाउडर डस्ट कर वी गोइंग टू रोल दिस। इसको हम रोटी के तरह रोल करेंगे। देखिए मैंने इसे रोल कर दिया है। अब हम केक के ऊपर इसे चारों तरफ डालकर इसे एक अच्छा सा पम्पकिन का शेप देंगे। इसके ऊपर हम इस तरह फैला लेंगे, going to cover it। देखिए इसका अच्छा सा मैंने शेप दे दिया। ऊपर हम थोड़ा सा इसको बेंड करेंगे इस तरह। अब हमने कहाँ जहाँ कट किया था उसको हम इसको धीरे से इस तरह से दबाकर इसका एक शेप दे देंगे। इस तरह देखिए ये थोड़ा सा फॉन्डेंट लिया है मैंने, इसमें थोड़ा सा मैं ग्रीन कलर ऐड कर इसका स्टेम बना लेंगे। सो वी गोइंग टू कलर दिस। देखिए इस तरह से मैंने शेप दे दिया एंड इसको इसके अंदर इस तरह स्टिक कर देते हैं, इसको ऊपर रग लगा देंगे एंड आ पम्पकिन इज ऑल रेडी। लेट्स कट आ पम्पकिन केक। चलिए चेक आउट फ्रेंड्स, आवर हैलोवीन स्पेशल पम्पकिन केक इज डन। प्लीज डू ट्राई आउट दिस केक। कीप वॉचिंग, कीप कुकिंग। थैंक यू।